सो गाइज, यहाँ हमारे पास एक HP का कंप्यूटर है और इसमें है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि इसका जो फ़ैन है, पावर ऑन करने के बाद थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप बंद हो रहा है, फिर चल रहा है, फिर बंद हो रहा है, फिर चल रहा है, और डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा। मेरी डिस्प्ले जो है वो पावर सेविंग मोड पे चली गई है, तो ज़रा मैं इसको ऑन कर देता हूँ यहाँ से। तो मैंने ऑन कर दिया, लेकिन जब इसको ऑन करेंगे तो ये देखिए, नो सिग्नल यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे जो है ये केबल लगी हुई है, ये प्रॉपर लगी हुई है। मैंने चेक कर लिया है, केबल इसमें प्रॉपर लगी है, कनेक्टिविटी की दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे है, इसको आप थोड़ी देर तक खुद देखिए, ये फ़ैन कुछ देर चलेगा और ये घूमेगा, और ये देखिए। तो कभी भी कंप्यूटर में ऐसी प्रॉब्लम आए तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम, या फिर ये कहें कि हमेशा हर बार जो है ये प्रॉब्लम आती है रैम की वजह से। तो ये जो कंप्यूटर है ये थोड़ा सा अलग ही टाइप का है। इसमें देखिए, यहाँ से पीछे ये लगता है लैपटॉप की तरह, आप देख सकते हैं, कहीं पे भी पावर सप्लाई नहीं है। ये HP का OEM कंप्यूटर है और बिल्कुल अलग ही है। ये देखिए, यहाँ पे ये जो वायर है इससे पावर जाता है DVD राइटर को, और ये वाला जो वायर है नहीं, इससे पावर नहीं जाता है, ये फ्रंट पैनल का है, पावर बटन वगैरह का है। ये जो वायर आप देख रहे हैं इससे पावर जाता है, ये देखिए, हार्ड ड्राइव में जा रहा है और DVD राइटर में जा रहा है। तो मदरबोर्ड से पावर जाता है, क्योंकि इसमें इस तरीके का चार्जर लगता है जो कि लैपटॉप में लगता है, तो एक्सटर्नल सप्लाई इसमें लगती है। चार्जर तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि चार्ज तो ये होता नहीं है, अंदर बैटरी नहीं है, बट हाँ, एक्सटर्नल सप्लाई लगती है, ठीक है। तो इस एक्सटर्नल सप्लाई को मैं इधर वापस लगा देता हूँ, और हम करेंगे क्या, हम कोई भी रैंडमली एक रैम निकाल देंगे, कोई भी निकाल देंगे। तो मैं इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है, पहली वाली रैम निकाल रहा हूँ मैं, पहली वाली के संग दूसरी वाली भी खुल गई, खाली पहली वाली निकालेंगे। निकाल दिया इसको, ठीक है, और देखते हैं कि अब क्या होता है। तो पावर ऑन कर दिया हमने, अभी तक हमारा फैन बंद नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे डिस्प्ले आ गया, ये देखिए, मैं ज़रा फ्लैश बंद कर देता हूँ, ये देखिए हमारा डिस्प्ले आ चुका है। तो अब यहाँ पे हो क्या सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है, या तो ये हमारी रैम स्टिक ख़राब हो गई है, या तो इस रैम स्लॉट में प्रॉब्लम हो गई है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर अब प्रॉपर चल रहा है, इसका मतलब ये है कि ना तो इस इधर वाले रैम स्लॉट में प्रॉब्लम है, ना ही रैम स्टिक में प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या चेक कर सकते हैं, अब हम इस कंप्यूटर को फिर से बंद करेंगे एक बार। हमने जो है पावर निकाल दिया पीछे से, और इस रैम को निकाल के क्या करेंगे, या तो हम इस रैम को इधर लगा के ये चेक करेंगे कि डिस्प्ले आ रही है या नहीं आ रही है। अगर डिस्प्ले आ रही है तो इसका मतलब ये स्लॉट परफेक्ट है, या फिर हम इस रैम को जो हमने पहले निकाली थी उसको इधर वाले स्लॉट में लगा देंगे। तो अभी मैं ये करता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें और पता चल जाए। कंप्यूटर तो हमने फिक्स कर ही दिया है, लगभग कंप्यूटर हमारा बूट तो हो ही गया है, बट हम इसके थोड़ा सा और फर्दर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं ये देखने के लिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है। तो हमने जो रैम पहले निकाली थी उसको अब हमने इसमें लगा दिया है, ठीक है, और पावर कनेक्टर क्योंकि मैंने निकाल दिया था, इसको दोबारा से लगा देते हैं। लगा दिया, इसे ऑन करेंगे, और ये देखिए बंद हो गया। तो
तो ये इस बात का साइन हो सकता है कि हमारी एक रैम ख़राब हो गई है इस पीसी की। तो अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हमने पीछे से फिर से निकाल दिया है पावर कनेक्टर, अब इस रैम को हटाएंगे। तो अभी तक हमने क्या चेक कर लिया, ये चेक कर लिया कि ये रैम जो है पहले इधर लगी हुई थी, उसको हमने निकाला, उसके बाद डिस्प्ले आ गई, फिर दूसरी वाली रैम निकाल के इसको इधर लगा दिया। तो यानी कि ये रैम हमारी जो है दिक्कत दे रही है। अब एक काम करते हैं, हम पहले वाले स्लॉट में इसे लगाते हैं, इधर वाले, ये वाले स्लॉट में, और फिर चेक करते हैं कि ये वाले स्लॉट में क्या ये वाली रैम काम कर रही है। तो इससे हमें और क्लियरिटी मिल जाएगी। तो पहले ये वाली रैम इधर लगी थी और डिस्प्ले हमारा आ गया था, और अब हमने इस रैम को वापस इधर से लगा दिया है। पीछे देख लेते हैं, तार को लगा देते हैं और पावर ऑन कर देते हैं। और ये देखिए, ये फिर से बंद हो गया। तो हमारी जो ये वाली रैम है, ये दोनों ही स्लॉट में काम नहीं कर रही है, ना इधर कर रही है ना इधर कर रही है। और जो हमारी ये वाली रैम है, ये इस स्लॉट में जब तक लगी थी तब तक काम कर रही थी, उसके बाद हमने इसको इधर लगा दिया और अब इसने काम करना बंद कर दिया, और अब हमें डिस्प्ले भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो फिर से निकालेंगे इसको और इसे वापस से इधर लगा देंगे, ये चेक करने के लिए कि क्या अब फिर से आता है या नहीं। तो हमने इस रैम को फिर से प्रॉपरली इधर बिठा दिया है और इसे हमने ऑन कर दिया है। तो HP लिख के इधर आ गया था और फिर से डिस्प्ले आ गई है। तो एक रैम जो है हमारी, ये खाली काम तो कर रही है बट ये इसी स्लॉट में ही काम कर रही है। यानी कि अगर हम इसको इधर लगाते हैं तो ये स्लॉट में काम नहीं कर रही है बट इसमें काम कर रही है। और दूसरी बात, हमारी ये जो रैम है ये दोनों ही स्लॉट में काम नहीं कर रही है। यानी कि जब हमने इसको इधर से इधर लगा के देखा तो भी ये काम नहीं कर रही थी, और जब इधर से इस वाली रैम को जिसमें हमारा PC बूट हो गया था, इसको हमने जब इधर लगाया तो भी ये काम नहीं कर रही थी। बट अब हमारा PC जो है फिर से बूट हो गया है, डिस्प्ले आ गई है। तो ये थोड़ी सी अजीब ही दिक्कत है, मतलब कि स्लॉट भी नहीं चल रहा है हमारा, क्योंकि चलती हुई रैम अगर हम इधर लगाते हैं तो डिस्प्ले उड़ जाती है, बट ये वाली रैम दूसरे स्लॉट में भी काम नहीं कर रही है। तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है कि इस रैम के जो पैड हैं इसको अगर हम क्लीन करें तो हमारी डिस्प्ले चलने लगे, और साथ ही साथ रैम स्लॉट को क्लीन करें तो हमारी जो है दोनों ही रैम हर जगह चलने लगे। तो चलिए ज़रा उस चीज़ को भी ट्राई करके देखते हैं। सो गाइस, मैंने किया ये कि मैंने सैंड पेपर का एक पतला वाला जो सैंड पेपर होता है उसको बीच से ऐसे फोल्ड किया और स्लॉट के अंदर ऐसे डाल के इसको ऐसे ऊपर नीचे कर दिया ताकि थोड़ी जो है डस्ट वगैरह जमी हो तो वो निकल जाए, और दोनों ही स्लॉट में मैंने कर दिया। उसके बाद दोनों ही रैम के मैंने पैड्स को थोड़ा थोड़ा सा घिस दिया ताकि जो कार्बन लगा हो वो चला जाए। वैसे पैड को आपको इरेज़र से घिसना चाहिए बट इरेज़र फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सैंड पेपर से ही जो है बहुत हल्के हल्के से पैड को थोड़ा सा घिस दिया। ठीक है, बट ये करने के बाद भी जो है एक ही रैम चल रही है, और ये वाली रैम जो है इससे वही प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे आप देखिए डिस्प्ले हमारा आ रहा है बट पता नहीं क्यों ये वाली रैम नहीं काम कर रही है। बट अगर हम इस रैम को स्लॉट में लगाते हैं तो भी ये वाली रैम जो ऑलरेडी लगी है वो इस स्लॉट में काम नहीं कर रही है। सो अब यहाँ तक मुझे प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही, ऐसा लग रहा है कि रैम स्लॉट और रैम दोनों ही ख़राब हो गए हैं, जबकि एक टाइम पे दो चीज़ें ख़राब होना
थोड़ा सा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। मेरे कहने का मतलब है कि इतनी जल्दी एक समय पे दो चीज़ें नहीं ख़राब हो सकती हैं, होती भी नहीं है। बट यहाँ पे एक स्लॉट भी काम नहीं कर रहा है और एक रैम भी काम नहीं कर रही है। बट फिर भी हमने कंप्यूटर को जो है डेड कंडीशन से, मतलब डेड तो नहीं था, फैन तो स्पिन कर रहा था बट चल नहीं रहा था, एक नॉन वर्किंग से एक वर्किंग कंडीशन में हमने उसको ला दिया है। तो हमने इतना कर दिया है, तो ये 100% फिक्स तो नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि कंप्यूटर बिल्कुल फिक्स हो गया है, क्योंकि एक स्लॉट में अभी भी कुछ दिक्कत है। बट स्टिल ये कंप्यूटर जो है रनिंग कंडीशन में आ गया है और ये काम कर रहा है। अगर हम इस रैम को वापस से स्लॉट में लगा देते हैं तो ये रैम काम नहीं करती है, इसको लगा देते हैं तो भी पीसी टर्न ऑन नहीं होता है, और इसको हटा के अगर स्लॉट में लगाते हैं तो भी हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, ना जाने क्यों। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। सो गाइज़, मैंने जो है फिर से चेक कर लिया पूरा स्लॉट इसका, फिर से क्लीन किया, बट एक स्लॉट इसका मतलब काम नहीं कर रहा है। रैम दोनों काम कर रही है, रैम को मैंने अदल बदल के देख लिया, एक रैम को लगाया फिर दूसरी रैम को लगाया, दोनों जो इधर का जो स्लॉट है इसमें दोनों रैम काम कर रही हैं और इधर वाले स्लॉट में कोई भी रैम काम नहीं कर रही है। तो ये 100% फिक्स नहीं है, बट स्टिल डिस्प्ले आ रहा है। अगर हम कीबोर्ड लगा के बूट करें, F1 दबाएं, तो हम विंडोज़ पे भी चले जाएंगे। तो कंप्यूटर काम कर रहा है, फ़ैन पहले की तरह जो है बार बार घूम के बंद नहीं हो रहा है, तो ये सारी दिक्कतें नहीं है। ये वाला फ़ैन डिसकनेक्टेड है, इसको अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा तो ये भी चलने लगेगा। तो ओवरऑल जो है पीसी हमारा सही हो गया है, मतलब कि एक नॉन वर्किंग पीसी एक वर्किंग कंडीशन में तो आ गया है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।